रखिए स्वामी जी के याद, सुनो सिंहासन बाबू ला गई धारा भारी कतो ने हो देखिए स्वामी जी के जाए तो सिंहासन लागे मोरा स्वामी जी के जाइया से देवराज ले जाना ले के वो लगियो ना यही ले बाबू रानी सोना माँ जहिया से देवरा गे ले जंगले के जाए लगियो ना यही ले ले पर आयो मोहबाबे के करो ना देखिए बाबू मोहबी गरीब राज काम ये चली गे ले मोरी देवर जी के करो ना देखिए हम मोहबी हो रहा यही दरबार थे कि सिंहासन छोड़कर मेरे स्वामीनाथ एक पल के लिए कहीं नहीं जाते थे, लेकिन आज कारण क्या है कि यह दरबार बिल्कुल सुना पड़ा हुआ है। देवर 6 महीना के लिए अगर जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते थे तो हफ्ता रोज के लिए मिलने के लिए जरूर सोना भाभी से मोबी राज पधारते थे। आज कितनी दिन बीत गई अभी तक देवर का भी कोई उद्देश्य नहीं है। बेटा इंदल को भूख लगता था, चिल्लाते आता था माँ मुझे भूख लगी कुछ खाने के लिए दो। अंगना में खेलता था, धूपता था, दिल लगता था मुझे, लेकिन अचानक किसी को नहीं दिख रही हूँ। ऐसा आश्चर्य हुआ क्या हो? अब मैं किससे पता लगाऊं इन लोग गया तो गया कहाँ? कुछ समझ में नहीं आ रही है, मैं किससे पूछूं कैसे पता लगाऊं? खैर कोई बात नहीं है, महल में गोतनी है फुला रानी, हो सकता कि देवर उसे बता कर गए होंगे तो वो मुझे बता सकती है कि मेरे देवर इस टाइम कहाँ गया है, और उन्हीं से सारी पता मुझे लग जाएंगे कि कौन किस जगह अभी वर्तमान है, कहाँ विराज कर रहे हैं।
क्योंकि कौन ऐसा बुद्धि दिया कि उसकी बुद्धि पर तुमने ये ड्रेस पहन कर गई है? इसकी मतलब तू समझती है कि सफेद साड़ी किस्ते में पहना जाता है? क्या हो गया तुझे? बुद्धि तुम्हारी हरा गई है क्या? नहीं, मैं तुझे कितनी दिन से बुलाई थी कि तुम आते आते कुछ कुशल मंगल सुनाएगी, लेकिन तेरी लिबास देख कर तो मेरी जी घबरा रही है। तुम कांप रही है, कैसा क्यों तुम कर भेज करके है? देख रहे तेरे मांग में सिंदूर नहीं है, ये विधवा के रूप बनकर तू मुझे सकल दिखाने के लिए आई है। क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं हुआ। मैं अपने देवर के बारे में पूछने के लिए तुझसे बोला है कि इतनी दिन गुजर गई है, देवर अभी तक जंगल से वापस नहीं आया है। इस टाइम मेरे देवर जंगल की शिकार खेलने के लिए गया है कि यार कोई तीर्थ घूमने के लिए गया है? तो तुझे मालूम होगी तो तू मुझे बताएगी, लेकिन आते आते तो तू मेरी मैंने सारी बातें मैं तुम्हें सुना रही हूँ। एक रोज की बात है, तुम्हारी बेटी कंचन कुमारी ने मेरी सामना में रोते रोते आई। जैसे उसकी आंखों में मैंने आंसू देखी तो मेरी भी कलेजा कांप उठी। मैंने बोली, क्या बात है कि आज तू कांप रोते रोते आई है? कहने लगी, चाची जब तक मेरी साथ में सत नहीं कीजिएगा तब तक मैं कुछ नहीं कह करके सुनाऊंगी। बच्ची को लार पिरा देख करके मैंने उनके साथ में सत कर ली। सत करने के बाद वह कहने लगी कि चाची मुझे 3 खिलौना चाहिए, चंदन चरखा कटक हिलोरा और मरमन बाजा। मैंने तो सोची ये छोटी सी बात है, जाकर के स्वामीनाथ को बोलूंगी, स्वामीनाथ ला करके दे देंगे। मैंने धोखा के मारे चली गई, स्वामीनाथ से भी सत करवा ली। सत करवाने के बाद स्वामीनाथ को जैसे ही बोली कि स्वामीनाथ 3 खिलौना ला करके दे दीजिए, चंदन चरखा कटक हिलोरा मरवन बाजा, स्वामीनाथ ने बोले, कौन सा राज में मिलेगा रानी? मैंने बोली, स्वामी क्या वो कहीं नहीं मिलेगा? दलकागर में राजा भरत सिंह के पास यह सामान मिलेगा। दलकागर जाइए और फौरन ला करके दे दीजिए, मेरी बेटी उदास हो जाएगी। नहीं तो दलकागर का नाम सुनते ही मेरे स्वामीनाथ ने आसमान से गिर गए, जमीन ठर्रा उठी। स्वामीनाथ ने उसी टाइम में मुझे कह करके गए, रानी तुम जानती हैं दलकागर में कौन सा राजा प्रवेश करेगा? मैंने 2 बार दलकागर में चढ़ाई किया, लेकिन पार पाने के लिए दलका राजा भरत सिंह मुझे नहीं दिया। दलकागर में सिर्फ दलदल ही है, जो जाता है वह लौट करके नहीं आता है। स्वामीनाथ को मेरे मना करती रह गई कि मैंने तो गलती कर चुकी हूँ, आप मत जाइए। उसी टाइम में मेरे स्वामीनाथ ने जिस हाथों से वो मेरी मांगों में सिंदूर दिए थे, उसी हाथ से मेरी मांग का सिंदूर धो करके चला गए, सादा साड़ी पहना करके चले गए। प्रमाण दे गए मुझे कि रानी में एक तुलसी का पेड़ है, वह तुलसी के चौड़ा पर नित्रोज तुमने जल ढारना, जब तक वो तुलसी हरा भरा रहेगा समझ जाना कि मेरे पति नाथ जिंदा है। जिस रोज तुलसी मुरझा जाएगा समझ जाना कि मेरे पति देव दुनिया से चल बसे। तुलसी तो हरा भरा था, अभी भी है। ना स्वामी को देखते हुए मैंने इंदर सिंह को बुला करके कहने लगी कि इंदर सिंह को सारी समस्या मैंने बताई, इंदर सिंह को भी नहीं रहा, गया कि चाचा के खोज में, वो भी व्याकुल होकर के रास्ता तय कर लिया दलकागर का। क्या तूने इंदर सिंह को भी दलकागर भेज चुकी है? हाँ, रास्ता को तय कर लिया, मेरे साथ वादा किया इंदर सिंह की, चाची मैं जा रहा हूँ, 1 हफ्ता के अंदर मैं लौट करके चला आऊंगा। लेकिन अभी तक उसका भी कोई खोज खबर नहीं है, कोई सुगा के जरिए ना चिट्ठी लिखा, ना पत्र लिखा है, ना कोई संदेश आया है। सुबह की सूरज निकलती है तो घर से बाहर निकलती हूँ, कब मेरे स्वामीनाथ और मेरे इंदल सिंह आएंगे? कहाँ से आएगा उन लोग? शाम ढलते ही वापस उदास होकर के मैंने महल चली जाती हूँ। तूने मेरे शेर को मौत के मुंह में धकेल कर तुकाती को तो लौट कर वापस आएगा? नदान बच्चा को इतना कठिन की रास्ते में तू भेज दिया, क्या लौट कर आएगा? ये नदानी की कोई हद है? मैं तुम लोग को बार बार समझा रही थी कि बेटी को इतना सर पर मत चढ़ा, इतनी लाड़ प्यार कर कि वो हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़े। तुम्हें क्या पता है, इससे तुमसे पहले पहले से चंदन कंचन कुमारी मेरे पास आई थी,
और यही तीन सवाल की मुझे जवाब क्या था, लेकिन मैंने समझती थी कि ये तीन खिलौना ये राज में नहीं मिलती है बिना दलका घर से। मैंने उसे बांधा कि ये खिलौना नहीं है जिस खिलौना के लिए तुमने जीत रखी है, लेकिन उन्होंने एक ही जगह से कहा कि जब तक खिलौना नहीं देगी वहां मैं मोबी राज मंजल नहीं करूंगा। मैंने उसे मार लात गुस्सा से कुचले घिसेट कर घर ले गई, ठोकर उसे सुबह के चैन की नींद सुला दिया, और तुम उसके ममता में फंस कर आज मोबी राज को वीरान कर दिया। मेरे देवर को मौत के मुंह में धकेल कर तुमने सफेद साड़ी पिन कर टर ली है, तू इंतजार कर रही है कि तुम्हारे पति आ जाएगा। वो तो सोचता था कि मैं लौट कर वापस नहीं आऊं तो रानी को विधवा बनाकर जाना, लेकिन तुम्हें कैसी थी जब तुम कंचन से सत कर लिया था तो मेरे देवर को क्यों सत करवाई? मैं इस बात को नहीं जानती थी इतनी बड़ी कठिन रास्ता है। तब सत करवाने के बाद मैंने जब सुनी तो सब कुछ अंधेरा अंधेरा लखा देने लगा। अंधेरा तो तब लखा देने लगा कि जिस रोज मेरी मां का सिंदूर धो करके जाने लगे वो खोलोगे जुगती बाहर ये दी या जुगे लगा कुछ भी राना ला गई बहन के हामा सब कुछ भी राना के लागे रानी फूला बात बीबिया पुताई के दिलही अमोदी के रात गोदी के छबी राना ला गई बहन के हामा कौन के जीवई बहन आगे मोहाबी में मैया गई सुना ले तू सही रो बाली बो काम सुतल के देवता चर का मामा तिरका के केवल भरोसा देवता रह लई के तोहार सोना रानी कौन बोल रही हो? अरे दोनों बहुत देखते हैं क्या बात है, तुम दोनों तकलीफ में हो बेटी, तुम जगत जननी जगन्नी हो माँ, खुद को तो जानती होगी कि आज कितनी भारी मुसीबत सोना रानी की सर पर बीत रही है। दुर्गा अच्छी तरह जानती है तुम्हारी तकलीफ, लेकिन मुझे फर्ज है तुमसे पूछने की तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं सारा तकलीफ को दूर कर दूंगी। माँ आज एक छोटी सी बच्चे की ममता के प्यार में फंस कर मेरी घर वीरान हो गई, मेरी जी घबरा रही कि आप मोबी राज उसरन हो जाएंगे। माँ मेरे देवर इस वक्त कहाँ फंसा हुआ है? माँ मेरे देवर ने तीन सामान लेने के लिए दलका घर गया था, लेकिन कैसे वो दलका घर पार हो गया मुझे पता नहीं चल रहा है कि जिस दलका घर भूई दलदल की दुनिया है उल्टा भला का नोक करा हुआ है।
कोई भी छतरी नहीं तो वो नदी टप सकता है, अगर टप भी जाता है तो भला की नोक पर चल नहीं पाता है। सोना रानी मैं तुम्हारे मजबूरी समझती हूँ, और तुम्हारे देवर की बात कर रही है, तुम अपना बेटा के जो बात कर रही है, और ये भोला के नोक पर जो जार मिला हुआ मैंने पहले सब कुछ को नाश कर दिया। रही बात दलदल का, दलदल उलदल सब खत्म हो गया था, और तुम्हारे देवर और तुम्हारे बेटा दोनों फंसा हुआ भरत सिंह के दरबार में, भरत सिंह ने कैद करके रखा है। क्या वो बंदी बना लिया है? हाँ। फिर किस हाल में मेरे देवर अपनी जिंदगी को गुजारता होगा माँ? तो तुम दोनों बहन चाहती क्या? मैं अपनी हर हाल में अपनी देवर की मुलाकात चाहती हूँ, उसे उस दुश्मन की चंगुल से छुड़ाने के लिए चाहती हूँ। अच्छा ये बात है। अरे पगली, हर माँ को दिल में दर्द होता किसी का बच्चा खो जाने के बाद। अगर ऐसी बात है, तू मेरा भक्त है, तुम्हारा बच्चे भी मेरा मेरी भक्त है, और तुम अपना भक्त को लेने के लिए चाहती है, तो कान के पर्दा खोल करके सुन कि जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम दोनों को करना होगा। जो कहोगी माँ मैं करने के लिए तैयार हूँ। तैयार है? हाँ माँ श्री। तो ठीक है, अगर तैयार है बेटी तो तुम दोनों आज से नटीन का भेष बन। क्या? हाँ। नहीं, ये किस जलम की तू बदला ले रही है माँ? मैं अपनी परंपरा को भूल जाऊं, मैं अपने देवर की तलवार में दाग लगा दूं कि मान मर्यादा को छोड़कर मैं नटीन बनकर दुनिया दुनिया टहलने के लिए जाऊं? अरे पगली, किसी चीज को पाने के लिए किसी चीज को खोना पड़ता है, लेकिन तुम्हारा खोने की क्या बात है? तुम्हें तो कुछ दिन के लिए ही बनना ना होगा नटीन, बाद में हम पर छोड़ दे, हम है ना, मैं तुम्हारे आगे आगे चलती रहूंगी, तुम्हारे हर दुख को दूर करती रहूंगी, जब भी तुम आवाज लगाएगी तुम्हारे आगे हाजिर हो जाऊंगी, और जब नटीन के भेष बनेगी तुम तो तुम यहां से चली जाएगी भरत सिंह की दरबार, यानी कि वहां पर जाकर के उसके पोखरी पार पर डेरा गिराना होगा दलका घर में। हाँ, और तुम दोनों ये अपना आवाज बदल देना, जिस तरह नटीन बोल रही है उसी तरह तुम दोनों को बोलना, कभी ये नहीं कहना कि मेरी बहन है, ये मेरी गोतनी है, ये सब भाषा बिल्कुल दूर करनी होगी। तू बोलती जा माँ, मैं सब कुछ करने के लिए बेटी, फिर बाद में मेरे कमाल देख, मैं यहाँ से जाकर के भरत सिंह की पत्नी के सर पर मंडराती रहूंगी, और उसको उद्मत चरा करके गोधना के बहाना से मैं उसके पति के पास पहुंचा दूंगी। वो अपना पति से बोलेगी कि मुझे गोधना की जरूरत है, वो मंत्री लगा करके तुम्हारे पास भेज देंगे कि जाकर के नटीन को बुला करके ला। जब तुम्हें बुलाने के लिए आएंगे उसका मंत्री, तुम उसके साथ सीधी तरह भरत सिंह के दरबार पहुंच जाएगी, और भरत सिंह के दरबार पहुंचने के बाद देख सारा मामला तुम्हारा हल हो जाएगा। माँ, हाँ, तुम्हारी हर बात मैंने मंजूर किया, स्वीकार किया, मेरी भी एक शर्त है माँ, तूने तो मेरे देवर को तू नदी पार करके छोड़कर चली आई, फंस गया मेरा देवर वो दुश्मन की चंगुल में, ऐसा ना हो कि मेरी दोनों गोतनी को भी जाके उस पापी की राज में मुझे फंसा कर तुम भाग जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, तुम्हारी आशीर्वाद मुझे इतनी चाहिए कि मैं जिस टाइम तुझे पुकार करूंगी हर मौका पर तू मुझे राह बताएगी। बिल्कुल आ जाऊंगी। किस प्रकार से दुश्मन की राज में जाकर उसकी सुरांग की मैं पता लगा लूं, उसके बाद भी तुम्हारी कृपा से भरत को पता ऐसा चलाऊंगी कि शायद वो 7 बार अपनी माँ की कोख से पैदा लेता रहेगा, लेकिन फिर भी वो सोचेगा कि इसी नारी से मुझे पल्ला पड़ा। सोना रानी, मैं तुम्हारे पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी, तू चल, जब भी तू आवाज लगाएगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे माँ दुर्गा तुम्हारे सहारा करती रहेगी। प्रणाम माँ। सदा सुहागन रहो बेटी। देखी ना तू, अब बोल ये मान मर्यादा कहाँ गया, कहाँ रही हम लोगों की प्रतिष्ठा? दोनों गोतनी नटीन की भेज धर कर निकलूंगी गांव का रामनगर बस्ती, प्रजा लोगों की नजर अगर हम लोगों पर पड़ जाएगी तो किसी संसार में कभी सर उठा के बोलने के लिए नहीं देंगे। अगर नटीन का भेष नहीं धरती है तो जिंदगी में कलंक का टीका कभी नहीं छूटेगा। नटीन का भेष अगर नहीं धरती है तो मैं अपने स्वामीनाथ को, मैं अपने बच्चे को नहीं पा सकूंगी। तो चल इसी टाइम देर इंदर सिंह भी कहां रोता होगा, कौन उसे भोजन देता होगा, किस हालात में होगा, इस बात को मैं भी अच्छी तरीका से जानती हूँ। अगर एक माँ अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानती है। अगर ऐसी चाहती है तो तुम चल अभी इसी टाइम दोनों गोतनी बहुत जल्द इस राज को छोड़कर नटीन के भेष में निकल जाओ, ताकि लिए जब तक
हमारे जनता जनार्दन जागेंगे, जब तक उनके लोग नहीं खुलेंगे सड़क रास्ते पर टालने के लिए निकले उससे पहले निकल जाऊंगी ताकि पता ना चले कि मोबी राज की रानी लोग इस राज में नहीं है। ठीक है बाहर चलो। कुमारी की तरफ से जीपचा कुमारी की तरफ से शानदार 10 रुपए का पुरस्कार मिला है। मैं तमाम पार्टी की ओर से ऐसे महानदानी को लाख लाख धन्यवाद है। रे मंत्री हेलो मंत्री जी हाँ मैंने इतना देर से आवाज लगाया था तुम क्या करता था? हेलो हाँ हमें की कर रहे धुलाई करे रही है। क्या धुलाई करे रही है? धुलाई कदी की रे तब की पूजा अपने धुलाई हम कर रही है। बहुत अच्छा किया रे। अच्छा नहीं करे छे हम की खराब करे छे यानी कि मेरा बात को उल्लंघन नहीं तू पर नहीं रे तेरा
नहीं हो जे कहे चो से सुने छी चावस तो सामने थोड़ा कैदी करो ना। हेलो 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 सुबह सुबह के बात नहीं है, रात भर मारे हैं, अब हमसे नहीं मरवाइए नहीं तो हम मारना चालू कर देंगे। मैंने जैसे बताया था पिटाई करने के लिए तू वैसे किया था, आज जैसे आप बोले वैसे ही पिटाई किए थे। वो तो हाँ नहीं करते तो मरिए दे दिए बेटा लाल के। अरे इसका मतलब हमसे भी तू ज्यादा आ गया। ज्यादा नहीं तो जब नमक खाई छे तो काम क्या कर बे। शाबाश दांत किया कीचे चौपन भैया तोर बजा हो दांत तने कीचे रहो मंत्री। हाँ जब तू कैदी को पिटा किया कैद घर में। हाँ हम तो नहीं देखे ये वो कैदी के फांसी लगे बला छे तीन देर के बाद बाबा है बाबा छे तो तू कैदी को पिटा किया तो हम तो नहीं देखा। आपका हर काम तोर आगुए में दिखा दे। अब कैसे तू पिटा किया तो हमको दिखाई नहीं दिया। चलो सामने करो सामने। हाँ बाबू हे रे सुन ले मंत्री बीरा द्वार देख भाई सूरत यारे मंत्री हम कई दा दान सर भाई मंत्री दूसरा मनी का जा शिकारी रे फांस रे खींची लगी तू समा जाना ने बचाई ले रे तो गला देव रे तो चावस जीवन बचत बल सार में जा बाबू रूदल सी